तो भैया किसकी सरकार बेहतर है? सरकार योगी की बेहतर है, जिन्होंने गरीबों की जनता को समझा और अमीरों को भी समझा, उसने बराबर तोला। अच्छा। और जहाँ बिजली नहीं थी तहाँ बिजली पहुँचाई उसने, जहाँ कॉलोनियाँ नहीं थी तहाँ कॉलोनियाँ दी, और जीरो खाते पर उन्होंने खाते खुलवाए। अच्छा, जीरो। और लोगों को और ये रोजगार भी दिलाया कि लोग रोजगार करें। लोगों को रोजगार मिला है, जो लोग गरीब हैं, और लोगों को अनाज फ्री दिया। हाँ। और अमीरों को भी दिया और गरीबों को दिया, समझा। राशन इससे पहले क्या सरकारें राशन नहीं दी क्या? राशन दिया, मगर उन्होंने अपना कोटा पूरा किया, ये नहीं सोचा कि आप गरीब जनता अगर सड़कों को टहले तो उसको कपड़ा पहना दे, मगर योगी ने वो कर दिखाया, गरीबों को भी समझा अमीरों को भी समझा। अच्छा, गरीबों को जो है योगी आदित्यनाथ ने कपड़ा पहना दिया है, पहले लोग कपड़ा नहीं पहनते थे। हाँ। जो गरीब लोग सड़कों पर टहलते थे हैं लाओ। हाँ। तो आज उनकी दशा देखो यार, आज कम से कम अपना चूल्हा तो कम से कम जला रहे हैं। हाँ। सुकून की रोटी खा रहे हैं, तो हमको तो कहते हैं सरकार यही रहे। हाँ, महंगाई चाहे जो चली जाए, चाहे जितना आसमान छू जाए। हाँ, महंगाई हुई है। अच्छा। महंगाई हुई है। हाँ। क्योंकि किसान को देखो, किसान भाई। अच्छा, एक बात बताइए, किसान अगर अनाज बोता है तो किसके सहारे अनाज बोता है? किसान बोता है हम लोग गरीब जनताओं के लिए। डीजल की जरूरत पड़ती है किसानों को? नहीं पड़ती। हाँ, पड़ती है, डीजल की पड़ती है, तो डीजल यहाँ से नहीं आता है, इराक से आता है, और वहाँ का टैक्स कितना पड़ता है ये मोदी खुद ही जानते हैं। कितने रुपए में आता है आपको पता है कुछ? हाँ मालूम। कितने रुपए में आता है ये? मात्र आता होगा ये 32 या 32 या 35, और यहाँ से उसका टैक्स जब लग जाता है, इतनी दूर से आता है, तो यहाँ भाई वो टैक्स हम ही लोगों से। नेपाल में पता कितना सस्ता है? नेपाल छोटा देश है ना? हाँ हाँ, छोटा देश है। तो सर, वहाँ इतना सस्ता और यहाँ पर महंगा क्यों है? देखो सर, देखो जैसा देश, और देखो। अच्छा ये बताइए, अच्छा हमको बताइए। हाँ। ये केरला में नारियल क्यों मद्दा है, यहाँ क्यों महंगा है? वहाँ तो मैं मद्दा है, तो जहाँ की रुख होगी वहाँ सस्ता। नेपाल में क्या तेल निकलता है क्या? नेपाल में तेल निकलता है क्या? नहीं, तेल नहीं निकलता। हाँ। है ये बाहर से आता है। अच्छा, जो किसान अनाज बोता है तो उसके माफिक रेट मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? लागत के हिसाब से उसको कमाई है कि नहीं? देखो जो रेट बाजार रेट होगा उस हाल चाल है भाई, बता रहे योगी जी बहुत अच्छे हैं हमारे हिसाब से। तो कारनामे पर अच्छे कहा? अच्छे नहीं कहा, अच्छे नहीं है योगी। तुम कैसे हो यार, कहाँ जा रहे हो? मैंने उनके कारनामों को अच्छा कहा कि उन्होंने ऐसा कर दिखाया। यार तुम पलट कैसे गया, मैं नहीं समझ आ रहा यार। अभी कह रहे थे थोड़ी देर पहले योगी जी बहुत अच्छे हैं। यार कोई भी है, करना हमको तुमको वही काम है। लो ये अब ये तो कुछ और बात करने लगे। बात नहीं करो, मगर उनके कारनामे। क्या हाल चाल है भाई, सब बढ़िया है? ये कह रहे हैं योगी जी बहुत अच्छे थे, मतलब अच्छे हैं, सॉरी बहुत अच्छे हैं, उनके कार्य को भी ये तारीफ कर रहे हैं। अब आप बताइए आपके हिसाब से क्या? अरे दिमाग का 19.5 सही है। दिमाग का 19.5? ये अपनी अम्मा को मारता है, अम्मा बैठी, अम्मा जाके पूछिए। हाँ, गलत बात है। हाँ, अम्मी को मारते हैं क्या ये अपने? माता जी बैठे, उनसे पूछो चल के। अच्छा अच्छा, पूछ के आइए। माता जी बैठे, योगी की तारीफ कर रहे हैं क्या? इनको घर दिया योगी जी ने, योगी जी ने घर दिया इनको। योगी आए? अच्छा, हर साल योगी आए। हाँ, और तुम अपनी अम्मा को ऐसे मारते रहो? अरे नहीं, ये दोस्त है यार। ये देखो, ये आपके दुश्मन हो सकते हैं, ये आपके, लेकिन यहाँ पर सारे लोग बता रहे अपनी माँ को मारते। भाई मारते नहीं मारते? खाना सुनो का कि जो मैंने, ये सब लोग झूठ, ये मजा ले रहे हैं आपसे। हाँ। जो माँ 9 महीने हगाते में होता थी, उसको मैं मार सकता हूँ? अच्छा, कुछ आओ, आइए आइए। हाँ आओ आओ, कौन से तुम्हारी अम्मी है? तो हाथ का है जोड़ रहे हो तुम? ये अभी से हाथ क्यों जोड़ने लगे? माता है ना, हाथ नहीं जोड़ूंगा तो अभी से क्यों जोड़ने लगे? ना, क्या हाल चाल है अम्मा? क्या बता रहे हो, सुबह मारी ना? कैमरा लगा ही नहीं। अच्छा, ये मारते हैं, मारते हैं, मारते हैं। बताओ यार, तुम मारते हो अपनी माँ को? यार ऐसे मोदी योगी भक्त हो तुम? नहीं गलत है, नहीं योगी भक्त ऐसे हो तुम? मम्मी ने डांटा तो वो नहीं, मम्मी को मारोगे? ऐसे भक्त हो तुम? नहीं मारे, खान ने उन्होंने ढकेला। वो देखो बता रही है, मारे है ना, ये मारे है ना, ये देखिए सारे लोग गवाही दे रहे हैं, और ये योगी भक्त है, देखिए ये भाई हैं। चलो अच्छा रुको, भाई से पूछते हैं। भाई साहब, ये अपनी अम्मा को मारते हैं कि नहीं मारते? मारते हैं ना, बताओ यार। और तुम ऐसे योगी भक्त हो यार? चलो अच्छा, इनकी बात सच है, मैंने मारा। मैं कह रहा हूँ तुम ऐसे योगी भक्त हो?
गलत बात है यार, ये सच है ना। अब बताओ, अब आप बताओ, ऐसे योगी भक्त पाए जाते हैं तो रहे इनको योगी जी ने घर दिया, दिखाओ घर कहाँ है तुम्हारा? घर यही कुटिया है। हाँ देखा, यही कुटिया है तुम्हारा घर, और तब भी योगी के कार शैली पे आप तारीफ कर रहे हो? क्योंकि योगी ने जो किया है वो कोई नेता नहीं कर सकता है। और उसने स्वच्छता, और जहाँ सड़कें नहीं हुई वहाँ सड़कें बना दी, और जो पुल अधूरे थे उसने पूरा किया। और आगे आपके अरमान भी पूरे कर दिए कि माँ को मारिए। नो सर, मैंने नहीं मारा सर, बस ऐसे ही चिल्ला देने से काम नहीं चलेगा। है क्या हाल है भैया? अरे बाबू इधर आओ। अब सारे भाग रहे हैं यार, पता नहीं क्यों भाग रहे। डंडैया वाले तो खुलकर बोलते थे, लेकिन पता नहीं क्यों इतना खामोश है, और बोलने में इतना पीछे क्यों है। जुड़े रहे और देखते रहे लाइव टीवी एक्सप्रेस न्यूज। कैमरामैन चांद के साथ मैं मोहम्मद सैफ, लखनऊ।